हेलो फैंस, अभी मैं रेडियो सिटी के ऑफिस में हूँ और क्या करूँ फैंस, ये ऑफिस में आते आते मुझे कांटा लगा फैंस। ओ माय गॉड, मुझे कांटा लगा। ये कांटा निकाल दो फैंस, ये कांटा निकाल दो। Oh my god, I'm so so excited, I'm so happy. Fans, see me on Radio City and it would be amazing interview and you will love it. Love you fans. Hello fans, how are you? At present, I'm in the radio station Radio City. तो अभी जो है मेरा इंटरव्यू हो रहा है यहाँ पे रेडियो पे, और मैं चाहता हूं कि आप सब लाइव रहो, यहां पे देखते रहो, क्योंकि इसका जो टैगलाइन है वो है रग रग में पुणे सिटी। मैं तो कह रहा हूं कि रग रग में नहीं, तन बदन में पुणे सिटी होनी चाहिए। आपके पूरे तन बदन में ये पुणे सिटी समाने वाली है, क्योंकि अभी मेरा यहां पे रेडियो पे इंटरव्यू है। तो अगर आप मेरे तन बदन का हिस्सा बनना चाहते हो, दीपक के जिंदगी के बारे में जानना चाहते हो कि दीपक को क्या पसंद है, क्या दीपक को केले पसंद है या फिर वो एक उसका पब्लिसिटी स्टंट है, क्या सलमान खान दीपक को एज अ हीरोइन उसके नेक्स्ट मूवी में लेने वाला है या फिर दीपक ने वो कंट्रोवर्सी की है, दीपक को गुलाब जामुन पसंद है या रसगुल्ला, बहुत सारी चीजें जो है आप दीपक के बारे में जानना चाहेंगे। उसे मीठी लस्सी पसंद है या खट्टी लस्सी। तो बहुत सारी चीजों का आज पर्दाफाश होने वाला है, बहुत सारी अंदरूनी चीजें हैं जो अभी उजागर होने वाली है इस इंटरव्यू में, क्योंकि अभी मैं ये ऑफिस में आया हूं और बहुत मुझे यहां पे मजे आ रहे हैं, बहुत मैं खुश हूं, यहां तक कि मेरा ताली बजाने का मन कर रहा है, लेकिन अगर मैं ताली बजाऊंगा तो ये मोबाइल गिर जाएगा। बट आप लोग जो है वो लाइव बने रहे यहां पर, बहुत आपको मजे आने वाले हैं। तो लव यू गाइस। सबसे पहले दीपक वेलकम योर लाइव ऑन माय पेज आल्सो। ये मो क्या है बताइए, मो? मैं एक ऐसे शब्द की तलाश में था जो सबसे छोटा हो, क्योंकि अगर शब्द छोटा हो तो वो आपके जहन में पूरी तरह से घुल मिल जाता है। और तब मुझे ऐसे पता चला, साक्षात्कार हुआ कि अगर मैं मौ कहूंगा तो ये फेमस हो जाएगा, और मैं बहुत खुश हूं कि आज ये मौ एंथम बन गया है। बहुत मुझे खुशी है कि ये इंडिया में सब लोग मौ मौ कर रहे, यहां तक कि आपका जो डॉगी है वो भी भौ भौ करने के बजाय मौ मौ कर रहा है। I agree. Exactly, दीपक, we all want to know, आप करते क्या है? मैं बहुत कुछ करता हूँ, चारों दिशा से बहुत कुछ मैं मेहनत करता हूँ, ऊपर से, नीचे से, आगे से, और बहुत बार पीछे से भी मेहनत करता हूँ, और तब कहीं जाकर मैंने ये रुतबा, ये हैसियत, ये शोहरत हासिल की है। मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, अगर कोई फ्लैट में 100 करोड़ में लेता हूं तो उसको मैं 101 करोड़ में बेच देता हूं, और उसमें जो 1 करोड़ मुनाफा होता है, हाँ, उसमें मैं मेरा 1 महीने का गुजारा कर लेता हूं। तो ऐसे मैं करता हूं। 1 करोड़ लगते हैं 1 महीने के लिए? मतलब डॉलर्स नहीं, रुपीज। एग्जैक्टली माय पॉइंट। ओके, आप कश्मीर से इतना क्यों अटैच्ड है बताइए? पुणे भी तो इतना बुरा नहीं है, आप कश्मीर अक्सर जाते हैं। मेरी जो स्किन है वो पुणे में पसीने से दर बदर हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि जब पूरी इंडिया यहाँ पर पसीने से झुंझला गई हो, बौखला गई हो, तब मैं वहां पर जाके कश्मीर में बर्फ के रसगुल्ले बनाऊं, उसके साथ खेलूं, मैं स्नोमैन की पप्पी लूं। तो जब
पूना इतना गर्म है, 42 डिग्री है, तो फिर मैं पूना में क्यों रहूं भला? इसलिए बार बार लगातार बारंबार खींचा चला जाता हूं कश्मीर की खूबसूरती की ओर। मुझे कश्मीर पसंद है, वहां के लोग भी पसंद है, उनकी आंखें नीली होती हैं, दिल सच्चा होता है। और जब मैं वहां पे गया तो मैं फ्लड का हिस्सा बन गया, मैं पानी में बहने वाला था, मेरा ये तन बदन तहस नहस होने वाला था। मुझे याद है बड़ी बड़ी लहरें जो थी वो मेरे हाउस बोट को दे धड़ल्ले दस्तक दे रही थी, लेकिन जो हांजी है उसने मेरी जान बचाई। और तब मुझे पता चला कि कश्मीर के लोग बहुत बहुत अच्छे हैं, और इसीलिए मैंने वहां पे रहने का डिसीजन लिया। तो आप वहीं शिफ्ट हो रहे हो अभी कश्मीर की, आप पुणे में हो अभी? मैं कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं ले सकता हूं, लेकिन मैं वहां पे रहता हूं, साल में 6-7 महीने मैं कश्मीर में ही रहता हूं, और उसमें गलत क्या है? मैं एक टूरिस्ट हूं। लोग मुझे कहते हैं कि मैंने कश्मीर को चुना क्योंकि कश्मीर सेंसिटिव है और वहां पे मुझे बहुत पब्लिसिटी मिलेगी, वहां के इश्यूज में एनकैश करूंगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। कल मैं अगर तमिलनाडु में रहता तो लोग कहते कि दीपक टैन है और इसीलिए उसने तमिलनाडु चुना ताकि वो वहां पे भाई बहनों के साथ रह सके। अगर बिल्कुल मैं यूपी में रहता तो लोग कहते कि दीपक ने टूरिज्म के लिए यूपी चुना क्योंकि वहां पे उसको मास फैन फॉलोइंग मिलेगी, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है। मैंने कश्मीर चुना क्योंकि इंडिया एक मर्द है जो सीना तान के खड़ा है, तो अगर मैंने उसका सर चुना तो क्या गलत किया मैंने? ओके। तो मुझे एक बात बताइए दीपक, आपको कश्मीर से रिश्ता भी आया था राइट? आपके वीडियो में मैंने देखा। सॉरी, मुझे बहुत सारे रिश्ते आए कश्मीर से, बहुत से लोग जो है वो मुझसे शादा करना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान, बहुत से जगह से मुझे रिश्ते आए, लेकिन मैंने सब जगह वो रिश्ते ठुकरा दिए क्योंकि मैं जिंदगी में अकेला अकेला रहना चाहता हूं, अकेला रहना चाहता हूं मैं। आप अकेले क्यों रहना चाहती? आपको तो आया था, फिर आपने उसको लात मार के भगा दिया रिश्ता। हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं जिंदगी में एक्स्ट्रा बैगेज कैरी ना करूं। अगर मैं शादी करता हूं तो मेरी बीवी मुझे कहेगी कि मेरे लिए चोली लेकर आओ, बच्चे मुझे कहेंगे कि हमें एजुकेशन के लिए पैसे दो। ये सब मैं नहीं करना चाहता हूं, मैं अपने आप को पैम्पर करना चाहता हूं, अपने आप को सहलाना चाहता हूं, बलखाना चाहता हूं, मिरर में देखकर लटर लग गई डांस करना चाहता हूं। तो फिर मैं मेरे मेरे तन बदन पे इतना प्यार करता हूं, तो फिर मैं शादी के जंजाल में क्यों फंसू भला? आपको नॉर्मली जब आप बाहर जाते हैं तो लोग आप पहचानने लगे, क्या रिएक्शन आते हैं ज्यादातर लड़कों के? बिकॉज दे आर योर बिग फैंस। बहुत से लोग मेरे दीवाने हैं, परवाने हैं, जनून छा गया है सबको, तो इसीलिए वो आते हैं, ऑटोग्राफ्स लेते हैं, यहां तक कि मेरे पेन की स्याही खत्म हो जाती है तो बहुत बार मुझे झटक झटक के ऑटोग्राफ देना पड़ता है। फैंस, अगर आप मेरे साथ ऑटोग्राफ लेना चाहते हो, सेल्फी लेना चाहते हो, तो एक एक करके आओ, एक साथ आओगे तो ज्यादा हो जाएगा। ये अदा आपने कहाँ से सीखी? मतलब ये जो अदा है ये मुझ में कुट कुट के भरी पड़ी है बहुत पहले से ही, लेकिन जब मुझे फ्री में इंटरनेट मिल गया और 200 मेगापिक्सल का सेल्फी कैम मिल गया तो फिर ये अदाएं जो है वो जागृत हो गई और मेरे कैमरा में लोगों के सामने वो आ गई और मैं सुपरस्टार बन गया, इंटरनेट सेक्सेशन बन गया। आप सलमान के बारे में बात कर रहे थे एंड हमने आपका एक फोन कॉल भी देखा जहां पे सलमान ने आपको फोन कॉल किया था, स्पेशली आफ्टर हिज ट्यूबलाइट फ्लॉप्ड। और तो वो आपको कौन सा रोल देना चाहते हैं सलमान खान? एक्चुअली सलमान ने मेरा जो डांस है लत लग गई वो देखा, और उसके बाद में वो मेरे हुस्न के दीवाने हो गए क्योंकि वो वीडियो का टाइटल था जैकलीन स्टे अवे, और इसीलिए सलमान ने मुझे कॉल किया। लेकिन मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं, समय की पाबंदी है, मेरे पास बिल्कुल भी कतई एक मिनट भी नहीं है, इसीलिए मैंने वो ऑफर ठुकरा दी।
और हमें थोड़ी झलक देखनी आपकी, लत लग गई है। ओके अभी मैं दिखाता हूं तुम्हें, जस्ट वेट। अमेजिंग। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जरा म्यूजिक लगाओ। ऑफ कोर्स। लत लग गई। देखो आप, आपसे सुनने में ज्यादा मजा आता है। ओके ठीक है, चलेगा। ठीक है अभी करता हूं मैं। बेईमान दिल बड़ा बेईमान, होता नहीं आसान, मुझे है तड़पाना तेरी यादों में भी, तू हाँ कैसे मैं जीतू हाँ कैसी, ये तलब लग गई मुझे तो तेरी, लत लग गई लग गई, जमाना कहे लत ये गलत लग गई, मुझे तो तेरी आ आ आ आए आ आ आ आए आ आ आ लत लग गई। Yes, Jacqueline should definitely stay away, क्योंकि आपकी अदा तो उसमें है नहीं, आपने वन टेक किया, उसको शायद पता नहीं कितने रीटेक लगे होंगे। हाँ वही मुझ मेरी खासियत है कि मेरा कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता है, सब मेरा स्पॉन्टेनियस होता है। गोवा में आपने कितना वक्त बिताया, बिकॉज आई थिंक वन ऑफ योर फर्स्ट वीडियोस केम इन गोवा, राइट? वहाँ पे केले का एक ये था, ओके पूरा गुच्छा था। ओके गोवा के कुछ किस्से बताइए मुझे, क्या हुआ गोवा में? गोवा जो है वो बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं कश्मीर का ज्यादा दीवाना हूँ, लेकिन अभी कश्मीर में बहुत ठंड है और मैं बहुत ठिठुरता हूँ वहाँ पे, चंद घंटे में मुझे चाय की चुस्कियाँ लेनी पड़ती हैं, और इसीलिए मैं ठंड के दिनों में गोवा की तरफ रुख करता हूँ, बहुत यहाँ पे जाड़ा होता है कश्मीर में, और मेरा जो तंग बदन है वो थम सा जाता है, ठिठुर जाता है, फ्रीज हो जाता है, और इसीलिए मेरे बदन में तपिश लाने के लिए मैं गोवा की ओर रुक करता हूँ। वहां पर मैं दो दो तीन तीन महीने के लिए कमरा बुक करता हूँ, क्योंकि वहां के बनाना पकते ही नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि मैं जिस होटल में रहूं वहां के बनाना पपीता कद्दू सब मैं खाऊं, और इसीलिए मैं वहां पर इतने महीने के लिए बुक करता हूं, तो क्या मैंने गलत किया उसमें? नहीं बिल्कुल, हमें अच्छा लगता है क्योंकि गोवा इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, और आपका देखने का नजरिया, वी लाइक, वी एंजॉय टू सी इट, हाउ यू सी इट। डेफिनेटली। आपका एक वीडियो जो है आपने बड़े दिल से बनाया था विथ योर मॉम फॉर विरुष्का। ओके यस, वो अभी नहीं देखने मिला है, बट अभी शायद हमारा वीडियो इंशाल्लाह कोई नहीं पाएगा। आप क्या मैसेज देना है आपको विराट कोहली को? ये जो मेरा वीडियो है विराट का, तो इसको जो है वो 2 घंटे में 10,000 कमेंट्स मिले, और 2 घंटे में इसको 3 लाख रीच मिले, लेकिन कुछ लोगों ने जो है इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया और वो वीडियो जो है वो बैन कर दिया, बट यूट्यूब में वो वीडियो रिलीज हुआ है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। और अगर अनुष्का को प्रॉब्लम नहीं है, विराट को प्रॉब्लम नहीं है, तो ये जनता पता नहीं क्यों मेरे ऊपर जल रही है, लेकिन कुछ उसमें गलत नहीं है, और ये वीडियो जो है ये रिलीज हुआ है, और मैंने समाज के सामने पर्दाफाश कर दिया है विराट कोहली का, उसका जो लॉ बाइट है वो प्रूफ है, और मेरा जो आईफोन है उसमें भी मैसेजेस जो है वो लदालत भरे पड़े हैं, वो सबका मैं पर्दाफाश करूंगा, पैपराजी, मीडिया, फैशन पुलिस, सबको मैं ये बताऊंगा, डंके की चोट पे बताऊंगा, चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगा, ये सच्चाई दुनिया को पता चलनी ही चाहिए, बहुत हो गया है ये नाटक, कब तक वो विराट जो है वो झूठ बोलेगा? विराट आप में इंटरेस्टेड था कि कैसे? विराट जो था वो इंटरेस्टेड था क्योंकि वो कश्मीर आया था और वहीं पे उसने मुझे वो लव बाइट दिया था। लेकिन चलो अभी जो बातें हैं, गड़े मुर्दे जो है उसको क्यों खुदेड़ के उखाड़ना, रहने दो वो मुर्दों को जमीन के अंदर दफन, मैं नहीं उसे उखाड़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं पब्लिसिटी का भूखा नहीं हूं, इसीलिए मैं इसके बारे में चुप्पी साधना ही पसंद करूंगा। आपकी अगली फिल्म कौन सी आ रही है? बिकॉज आई एम श्योर आप शाहरुख सलमान के टच में हो, तो आपकी अगली? डेफिनेटली मैं शाहरुख सलमान के टच में हूँ, लेकिन मैं ये जो मेरा बदन है उसको बहुत पैम्पर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं कश्मीर में रहता हूँ, क्योंकि अगर मैं मूवी करूंगा तो मुझे धूप में शूटिंग करना होगा, और मुझे सूरज बिल्कुल पसंद नहीं है, यहां तक कि मैंने मैंने प्यार किया नहीं देखी, क्योंकि उसके डायरेक्टर सूरज बड़जात्या थे।
मुझे सिर्फ चांद की रोशनी पसंद है। बाद में जब मुझे पता चला कि उसमें तारा चांद बढ़ जाता पार्टनर है, तब मैंने वो फिल्म आधी देखी। तो बहुत मैं ये सब देखता हूं, मुझे सूरज की रोशनी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चांद की रोशनी का दीवाना हूं, बहुत मैं दूध का धुला हूं। मुझे लस्सी से मत धोना फैंस, मुझे लस्सी से मत धोना। तो किस चीज के साथ धोएं आपको? दूध से? आपको क्या पसंद है? आप मुझे वैसे कश्मीरी एप्पल जूस से धो सकते हो। आपका ब्यूटी रूटीन बताइए, आप बताएं, आप अपना खुद का बहुत ख्याल रखते हैं तो रूटीन क्या है? डेफिनेटली मैं एक्चुअली खूबसूरत वादियों में रहता हूँ। मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मैं बैक्टीरिया का लेवल चेक करता हूँ। अगर किसी होटल में जाता हूँ और मुझे पता चला कि वहां पे बैक्टीरिया है तो मैं मेरा रिजर्वेशन भी कैंसिल कर देता हूँ। अगर मैं कहीं पे पानी पीता हूँ तो मैं उसको टिश्यू पेपर से रैप करके ही गिलास को पीता हूँ, ताकि गिलास से बैक्टीरिया मेरे बदन को ना लगे। तो बहुत मैं ऐसे हेल्थ कॉन्शियस हूँ, बहुत मैं ऐसे प्रिकॉशंस लेता हूँ। सब ये मुझे करना पड़ता है, यहां तक कि मुझे क्लियोपेट्रा बात लेना पड़ता है। वो क्या होता है? मैं गुलाब की पंखुड़ियों को जैक्यूजी और बाथटब में डालकर ही नहाता हूँ, तो बहुत मेरे लिए ये मायने रखता है। ओके, और स्पेशल कोई ऐसा डाइट आप फॉलो करते हैं? बिकॉज आपने देखा आप कश्मीर में गए थे तो इतना टेबल भर के खाना वहां पे लोगों ने रखा हुआ था। मैं एक सेलिब्रिटी हूँ जी, तो वहां पे जब लोग मुझे बुलाते हैं तो मुझे बहुत ढेर सारा खाना देते हैं, लेकिन मैं सिर्फ फ्रूट्स खाता हूँ क्योंकि मेरे सेहत के लिए वही अच्छा है। बहुत मैं डाइट कॉन्शियस हूँ, ये सब मैं नहीं खाता हूँ बिल्कुल। बहुत मुझे ये सब देखना पड़ता है। हाँ, वो कबाब तो वैसे वैसे के वैसे पड़े रहे, आपने बताया था। अच्छा। मैंने देखा हो। वो वीडियो में सब वो मेरे फैंस थे, वो मुझे परेशान कर रहे थे, इसीलिए मैंने उन्हें गुस्से में कहा कि मैं तुम्हें 2 रिश्ता और 9 इंच का कबाब दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे फैंस मुझे तंग ना करें। सेल्फीज, ऑटोग्राफ्स, बहुत सब कुछ मुझे करना पड़ता है, और इसीलिए मैंने सेल्फी देने के लिए सर्वेंट रखा है, ऑटोग्राफ देने के लिए भी मैंने सर्वेंट रखा है। सो आप अभी नेक्स्ट क्या करने वाले हो? कौन सा नया नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो हमें देखने मिलेगा? मैं ऐसे कोई प्रीप्लान नहीं करता हूँ, ये सब कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता है। जो मेरे मन में आता है वो सब उभर कर बाहर आ जाता है। बहुत मेरे वीडियो नेचुरल होते हैं, वो सोसाइटी को मैसेज देते हैं, खास करके मेरे जो डांसिंग वीडियोज है वो यूथ को इंस्पायर करते हैं। मेरे हर वीडियो जो है वो सोसाइटी को मैसेज देते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सोसाइटी में रिवॉल्यूशन होना चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है, मेरे वीडियो में होता है ये सब कुछ। ओके, एंड दीपक कलाल एज अ पर्सन कैसे हैं? रूटीन क्या होता है? आप घर पे आते हैं आपके वीडियो वगैरह शूटिंग के बाद, व्हाट, हाउ डू वी फाइंड यू एट होम? मैं बहुत सिंपल हूँ, आई एम लाइक ममाज बॉय। मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ, ड्रिंकिंग नहीं करता हूँ, और मैं बहुत ही शर्मीला हूँ, बहुत सोबर हूँ, अपने आप में समाया हुआ हूँ, ज्यादा खुलता नहीं हूँ। तो मैं बिल्कुल एक गुलाब की पंखुड़ी जैसा हूँ, जो अपनी जो शर्म हया है उसको अपने आप में ढकना पसंद करती हैं। तो वैसे मैं रियल लाइफ में हूँ, बहुत मैं शर्मीला हूँ। आपने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपने कहा था कि आपको बॉयफ्रेंड चाहिए, बट यू आर नॉट गे, राइट? वेल, मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि दीपक आपकी सेक्सुअलिटी क्या है। सी, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, दैट गाइज, वेदर दीपक वुड बी हेट्रोसेक्सुअल, पॉलीसेक्सुअल, ट्रांससेक्सुअल, ट्रांसपोटाइट, पैनसेक्सुअल, मल्टीसेक्सुअल, आर्टोसेक्सुअल, प्लांटोसेक्सुअल, ड्रैग क्वीन, यू नो द सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज नथिंग, यू नो, बट इज जेनेटिक। यू डोंट चूज योर सेक्सुअलिटी, दैट इज बाय बर्थ। I'm in the country where I don't want to disclose my sexual orientation, because even having the unique sexuality and being unconventional, it's crime in India. Gosh, if I would have born in European country, definitely I would have disclosed and came up with my sexual orientation. But you know, the place like India where so much of hypocrisy, I would be better to pray for mom, because I don't think so that people, you know, need to do anything with my sexuality and sexual orientation. So I think that let me be as a comedian,
but my sexual orientation would be hidden. I don't want to reveal it. I don't want to disclose it because it would be the national issue. Of course. And Deepak doesn't want that. Okay. आपको फिल्म ऑफर्स आए कि नहीं बाकी डायरेक्टर से अदर देन शाहरुख एंड सलमान? बहुत सारे मुझे ऑफर्स आए लेकिन मैंने तुम्हें पहले बताया कि मैं अपने आप को पैम्पर करना चाहता हूँ. जब इंडिया में तपिश हो तब मैं कश्मीर में ठंड से ठिठुरना चाहता हूँ, वहां पे बर्फ के गोले दबाना चाहता हूँ और इसीलिए मुझे ये फिल्मों की जिंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है. लेकिन अगर किसी फिल्म में वो मुझे कैमियो के लिए बुलाएंगे एज अ पर्सनैलिटी तो डेफिनेटली अगर वन डे शूट होगा तो मैं जाऊंगा, बट फिल्में नो वे, क्योंकि वो बहुत ही लंबी प्रोसेस होती हैं और इतना सब मैं सह नहीं पाऊंगा. बहुत मैं नाजुक हूं इसीलिए मैं टाटा कर रहा हूं. बॉलीवुड मुझे टाटा कर जो, मुझे टाटा कर जो. और कुछ बिग बॉस से आपको ऑफर आया था? हाँ, मुझे बिग बॉस से ऑफर आया था. एक्चुअली मेरी 11 सितंबर को फ्लाइट थी और बिग बॉस ने मुझे 10 सितंबर को फोन किया. सी डेफिनेटली आई एम नॉट सेइंग आई एम इंटरेस्टेड इन बिग बॉस बिकॉज बिग बॉस इज नथिंग बट यू आर पोर्ट्रेइंग योर रियल पर्सनैलिटी एंड आई थिंक दैट आई डू हैव दैट स्पाइसी पर्सनैलिटी. आई एम अनकन्वेंशनल, आई एम कॉन्ट्रोवर्शियल एंड बिग बॉस इज नथिंग बट यू नो अफेयर्स, गॉसिप, स्कूप्स, कॉन्ट्रोवर्सीज एंड या आई कैन play very good in Big Boss. But definitely, you know, I would like to go in Big Boss as a celebrity. I won't like to go as a common man. They asked me to come as a common man. I'm not interested for. I started to develop my brand before 6 months and today, you know, more than 1 lakh people are following me. So give me some time. Let me establish my brand and definitely I would like to go to Big Boss with pride. Okay. Neighbors and me, honest pride. So just wait, guys. Next. Okay. So fans, hope so that you are enjoying my interview. And how am I looking today? The Musafir ka Sanjay Dutt with my tez dhar. Hello. Okay, now we over with the interview. Guys, this is just we are enjoying the live, but my actual interview they are going to conduct now. This is we are just having live, you know, just for fun. And the actual interview would be much spicier and it would be much fun. Okay then guys, thank you very much joining me on live Radio City, Rag Rag Mein Pune. तन बदन में पुणे, पुर्जे पुर्जे में पुणे. सो लव यू गाइस. दीपक इज साइनिंग ऑफ फ्रॉम रेडियो सिटी. मॉम मुझे टाटा कह जो, मुझे टाटा कह जो, टाटा. सो वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चंस इज डू यू कुक? या डेफिनेटली आई लव कुकिंग वेरी मच एंड आई कैन कुक इवन ऑल द कॉन्टिनेंटल डिशेस. Mm-hmm. Right from souffle, campe, timbales, panadas, zaskuski, shakutli, chateaubriand, caviar, steaks. I love continental. I'm an expensive person and I love the French classical menu of 16 courses, which starts from hors d'oeuvres, entree, entremets, sorbet and dessert. Mm-hmm. So I love continental because I'm special and I'm very expensive. मुझे जरा समोसा मिलेगा? ओ माय गॉड, सॉरी सॉरी, ये समोसे वाली बात तो रिकॉर्ड हो गई फैंस. इसको वायरल मत करो, इसको वायरल मत करो फैंस. मेरे मुंह से ये समोसा निकल गया फैंस. चाचा मां, सो अगर मैं आपको एक मिस्ट्री बॉक्स दूं ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स, आप क्या डिश बनाओगे मेरे लिए? वेट, मैं लाइव को कंटिन्यू रखूं या बंद? ऑफ कर दीजिए. ओके चाचा फैंस.